हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस बनाना, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टच सिस्टर फाहा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर लिखा है ऐप्स, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम नीचे की ओर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा एंड यहाँ पर योर ऐप्स पर जाएंगे एंड टेक्स्ट टू इमेज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम जिस भी टाइप की हमें इमेज चाहिए यहाँ से प्रॉम्प्ट्स हम लिख देंगे एंड यहाँ से हम स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे किस तरीके के हमें इमेजेस चाहिए यहाँ पर एंड यहाँ पर लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेंगे नीचे एंड यहाँ पर क्रिएट योर इमेज पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे सामने 4 इमेजेस आ जाएंगी। इन्हें हम 1 by 1 करके लेयर जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड ये पेजेस आ जाएंगे आपके सामने। आप इन पेज की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 5-5 सेकंड की लेंथ रखी है। सो फर्स्ट पेज पर आएंगे एंड एलिमेंट्स पर आ जाएंगे एंड सर्च बार में लिखकर आप कोई सा भी करैक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने करैक्टर सिलेक्ट किया एंड एनिमेट पर आ जाएंगे। यहाँ पर एनिमेट पर इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, यानी कितनी दूर तक हम इसे वॉक कराना चाहते हैं। सो यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है एंड सेकंड वाले पैच पर आ जाएंगे। एलिमेंट्स में अगेन से आएंगे। सो इस वाले करैक्टर को हम अगेन से ले लेते हैं एंड यहाँ पर इसका मैं साइज़ सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे एंड एनिमेट पर आएंगे एंड यहाँ से इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे, यानी कितनी दूर तक हम इसे वॉक कराना चाहते हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन को प्रेस करके इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर लें। सो करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये वॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपको इसे कर देना है डन। सो यहाँ पर मैं इसे डन कर देती हूँ एंड यहाँ पर थर्ड पेज पर आ जाएंगे। थर्ड पेज पर आने के बाद यहाँ से हम अगेन से ये वाला करैक्टर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। बैकग्राउंड के हिसाब से हम इसे एडजस्ट करेंगे एंड यहाँ से हम एनिमेट पर आएंगे एंड इसे भी इस तरीके से हम इसे वॉक करा लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसे वॉक करा लिया है एंड इसे कर लेंगे हम स्पिल्ट। यहाँ पर हम जैसे इसमें कोई नहा रहा है, जैसे ये लड़की आई है यहाँ पर एंड इसमें नहा रही है। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे ये बात वाला जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ करैक्टर्स। यहाँ पर ये वाला करैक्टर मैं सिलेक्ट करूँगी स्पिल्ट करके। सो यहाँ पर मैंने स्पिल्ट किया एंड ये बाथ वाला इस तरीके से बैथिंग हो रही है। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर दूँगी। करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसे एडजस्ट कर लेंगे एंड ट्रांसेक्शन आप कैसे चाहते हैं, यानी किस तरीके से ये शो होने चाहिए। जैसे ये इस तरीके से शो हो रही है, सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं डक सिलेक्ट कर लेती हूँ। एलिमेंट्स में आकर सर्च बार में मैं लिखती हूँ डक्स। सो यहाँ पर डक आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं डक इस तरीके से वाटर में चलेंगी। सो यहाँ पर एनिमेट पर आएंगे एंड यहाँ पर हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से ये पानी में तैर रही है। सो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है एंड डन कर देंगे। सो मैं नेक्स्ट वाली ये वाली भी सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड इस तरीके से इसे भी एनिमेट करा लेती हूँ। सो एनिमेट पर आएंगे एंड इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन को प्रेस करके जितनी दूर तक आप इसे चलाना चाहते हैं यहाँ पर कर लीजिए एंड यहाँ पर इसे डन कर दीजिए। सो यहाँ पर मैंने इसे डन कर दिया है एंड नेक्स्ट हम सर्च बार में लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लॉयन। सो यहाँ पर लॉयन आ जाएंगे। फ्री में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। सो ग्राफिक्स में आकर यहाँ से मैं लॉयन सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला। सो इसे मैं बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक लॉयन ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर इसे मैं ये सेट कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे सेट कर देती हूँ। करने के बाद यहाँ पर हम और देख लेते हैं एलिमेंट्स में से कोई और। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाऊँगी एंड यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर बर्ड्स फ्लाइंग लिखूंगी एंड यहाँ से बहुत सारी बर्ड्स आ जाएंगी ग्राफिक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
सो यहाँ पर मैं बर्ड से सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी उड़ती हुई। इस तरीके से हमारे बैकग्राउंड में ये शो होएगा, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, जो जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड एक ये वाली को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से, एंड इसे बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसे फ़्लिप कर लेंगे, इस तरीके से आप इसे फ़्लिप कर लें एंड यहाँ पर एलिमेंट्स पर आकर इस तरीके से इसे हम वॉक करा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर मैंने इसे वॉक करा लिया है एंड यहाँ पर इसे डन कर देंगे। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वॉकिंग हो रही है। सो आपको इस तरीके से इसे एनिमेट करा लेना है। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ पर हम और बर्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पर हम इस वाले में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस वाले पेजेस में। यहाँ पर हम कुछ और भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हमें जो अच्छा लगे। सो यहाँ पर जैसे मैं ये वाली बर्ड्स सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैंने ये वाली बर्ड सिलेक्ट कर ली है एंड यहाँ पर हमने इस वाले पेज में यहाँ पर एडजस्ट किया, इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर लिखा है एनिमेट, आपको एनिमेट पर क्लिक करना है एंड इसे ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये उड़ती हुई नज़र आ रही है इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ कर लेना एंड डन कर देना है। सो यहाँ पर ये बर्ड्स भी शो हो चुकी है इस तरीके से उड़ती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा एलिमेंट्स बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप बर्ड्स लगा सकते हैं, आप जो चाहे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे, लास्ट वाले पेज पर। सो यहाँ पर हम एलिमेंट्स में आकर सर्च बार में लिख लेते हैं पर्सन सिटिंग। सो यहाँ पर हमने ये फ्लिप किया इस तरीके से, ये पर्सन है जो कि बैठा हुआ है चेयर पर। सो यहाँ पर हमने ये वाला पर्सन सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से हम और भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला, आपको मैं दिखा देती हूँ। बस आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको जो भी अच्छा लगे आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है इस तरीके से, ये सिटिंग है चेयर पर। सो यहां पर एक मैं ये वाला कर लेती हूं सिलेक्ट एंड यहां से बैकग्राउंड के हिसाब से आपको साइज एडजस्ट करना है। सो यहां पर एडजस्ट कर लें एंड यहां पर मैं एक और कॉपी कर लेती हूं एंड यहां से इसे फ्लिप करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हूं यहां पर इस तरीके से एंड यहां पर एक ये वाला ग्रीन वाला मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ जो ट्री पर बैठा हुआ, कटे हुए ट्री पर। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे स्क्रीन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। सो अब आप यहाँ से शेयर पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं गैलरी में एंड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड कर सकते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं। Like this video, so please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.